Hello friends, we are going to solve this statement problem of linear equations. तो देखिए पहले question है, एक simple से start करते हैं. So the difference between two numbers is 26 and one number is three times the other. So अब तो दो numbers है, difference है, इसका मतलब एक कोई बड़ा number होगा, एक कोई छोटा number होगा, तब दोनों का difference हुआ होगा. So let's see, कोई number पता नहीं है, so let's bigger number be x and smaller number be y. Solution में let bigger number be x and smaller number, दो जो numbers थे, जो बड़ा था एक छोटा था, बड़े वाले को x ले लिया, छोटे वाले को y ले लिया. अब इसमें दो conditions दिए होंगे, दो conditions use करके हम लोग दो linear equations बनाएंगे. इसमें दिया है difference between two numbers is 26. अब सिंपल लॉजिक है, इसके बदले इसका मतलब इक्वल टू, आर का मतलब इक्वल टू, विल भी है तो इक्वल टू. सो लेट अस सी डिफरेंस. डिफरेंस मतलब माइनस करके. सो बड़ा नंबर में से बाई फर्स्ट गिवन कंडीशन. अब क्या कंडीशन है कि दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस इज व्हाट, 26. मींस बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. बिगर नंबर इज एक्स माइनस स्मॉलर नंबर विल बी इज वाई. सो इन लोग का बीच का डिफरेंस इज व्हाट, 26. सो इक्वल्स टू 26. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. बाई सेकेंड गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर. टाइम्स का मतलब इन टू. सो एक जो नंबर है बड़ा वाला, वो तीसरे दूसरे वाले का थ्राइस है, थ्री टाइम्स है. So, उसको लिख लेते हैं. सो बिगर नंबर इज एक्स इज आया तो इक्वल टू थ्री टाइम्स, मतलब थ्री इंटू द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर इज वाई. वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर. इट मीन्स बिगर नंबर इज का मतलब इक्वल टू थ्री टाइम्स, मतलब थ्री इंटू स्मॉलर. स्मॉलर इज वाई. सो एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन. सो substituting y equal x equals to 3y in equation 1. So कितना हो जाएगा, x के जगह पे, this is x minus y equal to 26. x के जगह पे 3y डाल दिया, x के जगह पे 3y minus y equal to 26. So 3y minus y will be 2y. 2y equals to 26. So y will be equals to 26 into 2 है सामने गया, तो upon 2. y will be equals to 2 1s are 2, 2 3s are 6. y का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब छोटा वाला नंबर मिल गया. अब ये छोटा नंबर मिलने के बाद में बड़ा नंबर भी फाइंड आउट करना है. अब हम लोग ये y का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो x मिल जाएगा सेकंड वाले में. सो सब्स्टिट्यूटिंग y equals to 13 इन इक्वेशन 2. सो दिस इज x equals to 3y. सो देयरफॉर 3 into y is what, 13. 13 threes are 39. So x का वैल्यू इज व्हाट, 39. अब इसका मतलब देयरफॉर बिगर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13. यही दो नंबर हमको फाइंड आउट करने थे. वापस से और एक इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. तो जो लार्जर है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है. तो हमको पता नहीं है लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल कितना है. सो ले लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई डिग्रीज. ओके, अब इसमें पहला कंडीशन कैसा है, बाई फर्स्ट गिवन कंडीशन. ऐसा कंडीशन है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा, 180. व्हाट इज व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180. Then they are supplementary of each other. It means that these two are supplementary angles. It means that x plus y
इज इक्वल्स टू 180, x प्लस वाई कितना है 180 है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। बाय सेकेंड गिवन कंडीशन, ऐसा कंडीशन है कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, तो बड़ा वाला कौन सा है, x है, इज है तो इक्वल टू, छोटा वाला y है उससे 18 बड़ा, मतलब y प्लस 18। बिगर लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, सो लार्जर इज मतलब इक्वल्स टू छोटे वाले से 18 बड़ा, मतलब y प्लस 18, इक्वेशन नंबर टू। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू y प्लस 18 इन इक्वेशन वन, वैल्यू ऑफ x हम जो है वो इधर x के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x के जगह पे y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180, इट मीन्स y प्लस y विल बी 2y विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, सो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 इज 162, सो y विल बी इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, सो y 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, इट मींस वैल्यू ऑफ y जो छोटा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो तुम्हारा 81 है। बड़े वाले के लिए मतलब x निकालना है, x निकालने के लिए y का वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट वाले में डालें या सेकंड वाले में डालें, सेकेंड वाले में डाल देते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन टू, सो y इज व्हाट, x इक्वल्स टू y प्लस 18, सो y इज 81 प्लस 18 एंड दिस विल बी 99, x का वैल्यू इज 99, हेंस लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इज 99 and smaller supplementary angle is 81. अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसा है, क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800 एंड लेटर दे बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 1750, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। अब कैसा करेंगे इसको, वापस से दो conditions तो दिया है, सो एक बैट और एक बॉल का कीमत हमको निकालना है, सो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीस एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीस वाई, एक बैट का कॉस्ट एक्स ले लिया और एक बॉल का कॉस्ट वाई ले लिया। अब हम क्या करेंगे, By the first given condition, अब देखते हैं condition कैसा है, 7 bat, it means what, 1 का cost अगर x है, तो 7 का bat, 7 bat का cost will be 7x, so we will write on 7x, अगर आपके पास 1 chocolate का कीमत 2 रुपया है, तो 5 chocolate का कीमत कैसे पता चलेगा, 1 का chocolate का cost into number of chocolates, means what, 2 into 5, that is 10 rupees. Similarly, bats are 7 and cost of 1 bat is rupees x. So, total cost of 7 bat will be 7x, 7 into x plus 1 ball ka kimmat hai y or number of balls are 6. So, total 6y is a cost of 6 balls. Now, this 7 bats and 6 ball, total cost rupees 3800. This is equation number 1. Similarly, by second given condition, अब दूसरा condition कैसा है, वैसे ही जैसे पहला था, 3 bat का cost कितना हो जाएगा 3x plus 5 balls का कीमत कितना हो जाएगा 5y and the total cost is what 1750. अब हम लोग को अगर सब्सटीट्यूशन मेथड करना है तो किसी एक तो x के फॉर्म में लेके आएंगे नहीं तो y के फॉर्म में लेके आएंगे, सो 5y is equal to 1750 plus 3x उधर गया तो minus 3x equal to cross कर रहा है, so y will be 1750 minus 3x upon 5, this is equation number 2. Now we will substitute value of y, that is
y equals to 1750 minus 3x upon 5 in equation 1. So equation 1 will be equals to, that is 7x plus 6y equal to 3800. So 7x plus 6 into y is 1750 minus 3x upon 5 is equals to 3800. 5 7s are 35x plus, अब ये 6 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं इससे भी और उससे भी. सो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 इस 10, 10500, माइनस 6 3 जा 18x अपॉन 5 इस इक्वल टू 3800. नाउ 35 माइनस 18 विल गिव यू 17x plus 10500 is equals to 5 into 0 is 0, 5 0 is a 0, 5 8 is a 40, 5 is a 15, 15 plus 4 is 19. So 19,000. 17x is equals to 19,000 minus 10500. 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0. अब ये 10, 10 में से 5 गया तो 5. इधर बचा कितना आपको? इधर बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8, 1 में से 1 गया तो 0. सो इट मींस 17x equals to 8500. सो x equals to 8500 upon 17. 17 1s are, 17 5s are, 0, 0. इट मींस x equals to 500. x का वैल्यू मिल गया. मतलब cost of 1 bat मिला. अब ये x का जो वैल्यू है जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ वन बॉल. सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1, सो इन इक्वेशन 2, सो y विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5. सो इट विल बी 1750 माइनस 3 इनटू x इज 500 अपॉन 5. सो 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, सो इट्स 250 upon 5. So 5 5s are 25, 5 zeros are 0. Cost of one ball bhi mil gaya rupees 50. Therefore cost of one bat is rupees 500 and cost of one ball is rupees 50. Next jo question hai, taxi ke upar hai. A taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for distance covered. For the 10 kilometers, one has to pay rupees 105. For traveling 15 kilometers, one have to pay rupees 155. Then what is the cost of traveling 25 kilometers? You have to find out. वो कैसे करेंगे? देखिए, अब उसमें कैसे दिया हुआ है solution? A taxi fare, taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance covered. तो फिक्स चार्ज का मतलब यह है कि जब हम टैक्सी में बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज पहले से ही जब मीटर डाउन करेगा तो एक आ जाएगा और हर एक किलोमीटर के बाद वो फिक्स्ड रेट से चेंज होते रहेगा. सो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी बी, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीस एक्स. फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी बी रुपीस एक्स and charge for and charge per kilometer thereafter, charge per kilometer thereafter b rupees y. मतलब जो फिक्स चार्ज था वो एक्स ले लिया और उसके बाद का जितना भी किलोमीटर से एक एक किलोमीटर के हिसाब से वाई वाई रुपीस बढ़ेगा. सो फॉर 10 किलोमीटर्स वन हैव टू पे रुपीस 105. तो 10 किलोमीटर जाने के लिए बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन फिक्स चार्ज तो पता है वो एक्स रुपीस लगेगा प्लस 10 किलोमीटर ट्रैवल किया हर एक किलोमीटर के लिए वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई रुपीज लगेगा. टुगेदर मिला के उसने कितना पे किया? रुपीज 105. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बाय सेकेंड गिवन कंडीशन
सिमिलरली अब 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपीज पे किया, इसका मतलब कैसे पे किया, वो फिक्स चार्ज रहेगा प्लस हर एक किलोमीटर के लिए वाई रुपीज, तो अब 15 किलोमीटर था तो 15 वाई रुपीज भरा रहेगा, टोटल मिला के उसने कितना पे किया 155 रुपीज पे किया। अब इसको हम चेंज करते हैं x के फॉर्म में, x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y प्लस 15y उधर गया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1, सो दिस विल बिकम x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x इज व्हाट 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x के जगह पे उसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 प्लस 10 विल गिव यू व्हाट माइनस 5y एंड इट इज इक्वल्स टू 105, so minus 5y equals to 105 plus 55 equal to cross 155 equals to cross करेगा तो minus 155 हो जाएगा, so minus 5y is equals to minus 50, minus minus cancelled from both the sides, so y will be equals to 50 upon 5, so y equals to 10, इसका मतलब charge per kilometer is rupees 10, and fixed charge निकालने के लिए y का value हम first second one में डाल देंगे तो x मिल जाएगा, so substituting y equals to 10 in equation 2. So x will be equals to 155 minus 15y. It means 155 minus 15 into 10. So 155 minus 150. It means 5. X ka value 5. X aur y ka value milne ke baad mein charge for हमको कितना 25 किलोमीटर्स के लिए चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू, अब मुझे ये बताइए फिक्स चार्ज लगेगा इसमें प्लस हर एक किलोमीटर के लिए वाई रुपीस, तो फॉर 25 किलोमीटर्स इट विल बी 25 वाई रुपीस, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स इज व्हाट रुपीस 5 प्लस 25 इनटू वाई इज 10, सो 5 प्लस 250 इट विल गिव यू 255 रुपीस फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। अब एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन के फॉर्म में कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए अब फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाई 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5 बाई 6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो उसके लिए फ्रैक्शन के लिए हमको पता है फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, सो लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई, सो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो बनेगा दैट विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज एक्स अपॉन वाई बाई फर्स्ट गिवन कंडीशन। अब पहला कंडीशन ऐसा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाई 11, मतलब ये x बाई वाई जो फ्रैक्शन था ये क्या हो जाता है 9 बाई 11, इट इज इक्वल्स टू 9 बाई 11 व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया तो वो 9 बाई 11 जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 11 इंटू एक्स इज 11 एक्स, 11 इंटू 2 विल बी 22, 9 इंटू वाई इज 9 वाई, 9 टू जा 18, सो 11x प्लस 9y इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो माइनस 9y इक्वल्स टू 18 प्लस 22 उधर जा रहा है तो माइनस 22, सो दिस इज 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसे ये किया हम दूसरा भी इक्वेशन निकालते हैं, सो बाय सेकंड गिवन कंडीशन, सेकेंड गिवन कंडीशन कैसा है, एक्स बाई वाई इज अ फ्रैक्शन, दिस बिकम्स 5 बाई 6 इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 ऊपर न्यूमरेटर में भी ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 इज 18 is equals to 5 into y 5y plus
5 3s are 15. So 6x is equals to 5y plus 15 plus 18 to minus 18. So x will be equals to 5y minus, this is 3, ये into 6 है, सामने गया तो upon 6, ताकि हम इसको substitute कर पाए, substitution method में. अब हम लोग ये x का जो value है, वो हम equation 1 में substitute कर देते हैं. So substituting x equals to 5y minus 3 upon 6 in equation 1. So 11 into x minus 9 into y equals to minus 4. 11 into x ka value is 5y minus 3 upon 6 minus 9y equals to minus 4. So 11 5s are 55y, 11 3s are 33, 6 9s are 54. The whole upon 6 equals to minus 4. 55 minus 54 is 1y minus 33 is equals to 6 4s are 24. Total cross multiplying. So y will be equals to minus 24 plus 33. So y will give you 9. Y ka value mil gaya. Ab ye y ka jo value hai, we will substitute this value of y in equation second taki x ka value mil jaye. So substituting y equals to 9 in equation 2. So x is equals to 5y minus 3 upon 6. So 5 into 9 minus 3 upon 6. So 5 9s are 45 minus 3 upon 6. 45 minus 3 is 42 upon 6. 6 7s are 42. So x will be equals to 7. So therefore original fraction is equals to x by y. X is 7, y is 9. So 7 upon 9. Ab age ke bare mein kuch problem hai ki 5 year hence age of Jacob will be 3 times as of his son. And 5 years ago, Jacob's age was 7 times of his son, then find their present ages. So, present age malum nahi hai. So, solution mein kya lenge? Let present age of Jacob be x years. And present age of his son be y years. So by the first given condition, condition aisa hai ki 5 year hence aane wale 5 saal mein, aaj agar x hai to aane wale 5 saal mein 5 badhega to plus 5 ho jayega. So, Jacob का age जो है, वो x plus 5 हो जाएगा, और उसका son y था, उसका age जो है, वो y plus 5 हो जाएगा. इन लोग के, इनका relation दिया हुआ है, कि age of Jacob will be, तो age of Jacob will be, मतलब 5 साल बाद x plus 5 हो जाएगा, will be है, तो equals to 3 times, मतलब 3 into age of his son, after 5 years, age of his son was, will be, x y plus 5, तो उसका thrice means 3 times. So x plus 5 is equals to 3 into y will be 3y, 3 into 5 will be 15. So x plus 3y इधर आएगा तो minus 3y equals to 15, plus 5 equal to cross कर रहा है तो minus 5. So x minus 3y equals to 10, equation number 1. Similarly, by the second given condition, condition ऐसा है कि 5 years ago, 5 साल पहले, आज अगर उसका age x है, तो 5 साल पहले 5 कम होगा. So मतलब Jacob was x minus 5 5 years ago, and उसका son was y minus 5 5 years ago. अब इनका relation क्या दिया है? 5 years ago, age of Jacob was 7 times of his son. So, Jacob का age x minus 5 था, was at equals to 7 times, मतलब 7 into age of his son was 5, y minus 5 at 5 years ago. So, x minus 5 is equals to 7 into y is 7y,
7 into 5 is 35. So x will be equals to 7y minus 35 minus 5 to plus 5. It will become x is equals to 7y minus 30. This is equation number 2. Now we will substitute this value of x in equation 1. So substituting, x is equals to 7y minus 30 in equation 1. What is equation 1? That is x minus 3y equals to 10. So x is 7y minus 30 minus 3y equals to 10. So 7y minus 3y will be 4y equals to 10. Minus 30 equal to cross karke constant ke paas jayega, to plus 30 ho jayega. So it will become 40. So 4y equals to 40. So y equals to 40 upon 4. Y equals to 10. Y ka value mila. Now we will substitute this value of y in equation 1 to get the value of x, or in equation 2 to get the value of x. So substituting, y equals to 10 in equation 2. So this x will be equals to 7y minus 30. It means 7 into 10 minus 30. It means 70 minus 30. It means that it is equals to 40. Therefore, present age of Jacob is 40 years. And his son is equals to 10 years.